सभी दोस्तों को नमस्कार। और आप अभी फ्रेम में देख रहे हैं एक शानदार फॉरेस्टन्स कैट स्नेक बॉयगा फॉरेस्टिनी। चूँकि ये बहुत आम नहीं है हमारे क्षेत्र में, इसलिए ग्रामीणों को इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। इसलिए आम बोलचाल में इसको क्या कहा जाता है ये हमें अभी तो नहीं पता। हम अगर पता चलता है तो आने वाले वीडियोज़ में आपको ज़रूर बताएँगे। आपके क्षेत्र में इसे क्या कहा जाता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों फॉरेस्टिंग कैट स्नेक की। इसको कल शाम में अमित ने रेस्क्यू किया था बछेली के इलाके से, और अभी सुबह सुबह का वक्त बहुत अच्छा है तो हम इसको रिलीज़ करने आए हैं। एक बढ़िया सी बात बताते हैं आपको, एर्बोरियल स्नेक है ये। और एर्बोरियल स्नेक्स की एक खासियत होती है कि इनकी टेल जो है एनल पार्ट से बहुत ज़्यादा दूर तक रहती है। ये ऐसा मेरे ख्याल में इनको ज़्यादा एक्स्ट्रा सपोर्ट, जब कई बार होता है कि पेड़ों पर चलते हुए एक्स्ट्रा सपोर्ट की ज़रूरत होती है, क्योंकि इनके हाथ और पैर तो होते नहीं हैं, तो ये अपनी टेल के सहारे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट ले लेते हैं। और दूसरा ये भी है कि ये कई सांपों को देखा गया है कि वो अपनी टेल से इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं। कई तरीके से वो अपनी टेल को हिलाते हैं। कुछ इंसेक्ट्स होते हैं, गिरगिट होते हैं, इनको ये इंसेक्ट्स जो खाते हैं गिरगिट, ये उस तरीके से अपनी पूंछों को रिप्लिकेट करते हैं। और उसी तरीके से फिर जब वो गिरगिट नज़दीक आता है तो ये उसको अपना शिकार बना लेते हैं। अब बात जब शिकार की आई है तो हम बात करते हैं इसके वेनम टाइप की। ये माइल्डली वेनमस होते हैं दोस्तों, यानी कि बहुत तीखा नहीं होता इनका जहर, और साथ ही साथ जानलेवा इंसानों के लिए नहीं होता है। लेकिन छोटे जानवर जो होते हैं, पक्षी हैं, छिपकली हैं, गार्डन लिजर्ड्स, हाउस गेको वगैरह, उनके लिए जानलेवा साबित होता है। इसका वेनम टाइप साइटोटॉक्सिक है, जो कि एंजाइम बेस्ड वेनम है। और इसका सबसे कॉमन असर जो है वो नेक्रोसिस होता है, साथ ही एंटीकोगुलेंट असर भी होता है, जिसमें रक्त का थक्का नहीं जमता, और साथ ही साथ जो लोकल एरिया टिश्यूज़ हैं वो डैमेज होने लगते हैं। अब चूंकि कैमरा फोकस किया हुआ है इसके फेस पर, तो हम बात करेंगे इसकी आँखों के बारे में, जिसके कारण ही इसका नाम कैट स्नेक पड़ा है। आप देखें दोस्तों, नज़दीक से हम आपको दिखाना चाह रहे हैं इसकी आँखों को, और लेटर इन द वीडियो हम आपको इसके वेनम फैंग्स भी दिखाएंगे। आप सबसे पहले इसकी आंखों को देखिए। इसकी आंखों के कारण ही इसे कैट स्नेक कहा जाता है। इसकी आंखें बिल्ली की जैसी होती हैं। और कुछ रेस्क्यूअर्स के बारे में हमने जब देखा वीडियोस, तो कुछ रेस्क्यूअर्स ये बताते हैं कि सांपों को दिखता नहीं है, विजन उनका टोटली ज़ीरो होता है और ब्लैक एंड वाइट दिखता है, एंड सो ऑन सो, मतलब जितने मुँह उतनी बातें। तो आज हम आपको विशेष तौर पर, चूंकि अब इसकी आंखों की बात हो ही रही है, तो हम विज़न की भी बात करते हैं। देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सांपों को दिखता नहीं है, लेकिन ये है ज़रूर है कि उनको डिटेल्ड विज़न नहीं मिलता है। सांपों का विज़न साइंटिफिकली बहुत ही ज़्यादा मॉडिफाइड होता है। इनकी आईलिड्स नहीं होती हैं, लेकिन इनकी आँखों के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, और उस मेम्ब्रेन के बाद इनकी अंदर पुतली होती है। एक रेस्क्यूअर है, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि इनका रेटिना भी नहीं होता है, जो कि काफ़ी हास्यास्पद लगा। आपको कलर कॉम्बिनेशंस देखने के लिए आँखों में कलर कोन्स होना, कलर रॉड्स होना आवश्यक है। चूंकि इनके कलर कोन्स होते हैं, हम इंसानों की आँखें ट्राइक्रोमैटिक होती हैं, जो तीन प्राइमरी कलर हैं रेड, ग्रीन, ब्लू, इन तीनों को हम देख पाते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्नेक्स की आँखें जो होती हैं वो डाइक्रोमैटिक होती हैं, यानी कि ये सिर्फ दो कलर देख पाते हैं, ब्लू एंड ग्रीन, नॉट रेड। तो इनका विजन हमारे विजन से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये देख नहीं पाते। कुछ स्टडीज़ में ये भी सामने आया है कि जब सांपों को अटैक किया जाता है, जब इनको खतरा महसूस होता है, तब ये उस समय आसपास के वातावरण को देखने के लिए, समझने के लिए अपने ब्लड फ्लो आँखों की तरफ बढ़ा देते हैं। ऐसा किसी भी जानवर के लिए कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है स्नेक्स के अलावा। ये जब आँखों की तरफ अपना ब्लड फ्लो बढ़ाते हैं, तो इनका रेटिना जो है बहुत तेज़ी से रिस्पॉन्ड करता है, और ये उस समय अपने विजन पर डिपेंड हो जाते हैं दोस्तों।
और दूसरी बात मैं कर रहा था कि कुछ साइंटिस्ट अभी स्टडी कर रहे हैं इसकी आँखों के लेयर, जो ओपेसिन लेयर होती है उसके और आँखों के रेटिना के बीच में एक नॉर्मल सा फ्लूइड होता है, जैसे हमारे टीयर ग्लैंड्स होते हैं उसी तरीके से हर सांप की आँखों के और मेम्ब्रेन के बीच में एक फ्लूइड होता है, जिस कारण ये आँखों को चोट नहीं पहुँचती, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम इनका जीवन जो है ज़मीन पर ही बीतता है। आप देख सकते हैं जब ये इस तरीके से ज़मीन पर या पेड़ों पर मूव करते हैं तो छोटे मोटे लकड़ी के टुकड़े या दूसरी चीज़ें इनको लगती ही होंगी आँखों में, तो ऐसी चोटों से बचाने के लिए ही ये मेम्ब्रेन और फ्लूइड काम में आती है। और एक स्टडी के अनुसार दोस्तों, स्नेक्स का जो ड्यूर्नल होते हैं और जो नॉक्टर्नल होते हैं दोनों का विजन अलग होता है। ड्यूर्नल यानी जो दिन में निकलने वाले सांप होते हैं उनकी आंखें, आपने जैसे रैट स्नेक वगैरह, हमने कई बार नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करेंगे रैट स्नेक की आंखों को दिखाने की, उनकी आंखें आपने देखी होंगी हल्की येलोइश दिखती हैं। ऐसा इसलिए होता है कि उनकी मेम्ब्रेन में यूवी फिल्टर बाय नेचर दिया हुआ है, ताकि जो धूप, तेज़ धूप है वो उनकी आंखों पर अफेक्ट ना करे और वो अपने शिकार को इजीली देख पाए। लेकिन जो नॉक्टर्नल स्नेक्स होते हैं, जैसे बैंडेड करेथ है, कॉमन करेथ है और कुकरी है, इन स्नेक्स पर ये जो यूवी फिल्टर है दोस्तों ये नहीं होता। मैं नीचे इसलिए बैठ गया था ताकि आपको डिटेल्ड व्यू इसका दे पाएँ, और हमारे सभी साथी अभी नीचे ही बैठे हुए हैं। तो इनका जो नॉक्टर्नल मैं बता रहा था स्नेक्स होते हैं, इनकी आंखों में यूवी फिल्टर नहीं होता, क्योंकि इनको ज़रूरत नहीं है उस समय यूवी फिल्टर की। ये ठीक वैसा ही है दोस्तों जैसे आप धूप के वक्त चश्मे लगाते हैं लेकिन रात के वक्त आप शेड्स या सनग्लासेस आप नहीं पहनते हैं, क्योंकि आप रात के वक्त अगर शेड्स पहनेंगे तो आपका विजन डिस्टॉर्ट होता है, ख़राब होता है। तो दोस्तों इसकी आंखें जो होती हैं ड्यूर्नल और नॉक्टर्नल स्नेक्स की, दोनों की अलग तरीका पैटर्न होता है। हम आपको आने वाले वीडियोस में अब आँखों के बारे में ही बताएंगे कुछ वीडियोस में। जो नॉक्टर्नल स्नेक्स होते हैं जैसे कॉमन करेथ है, बैंडेड करेथ है और दूसरे स्नेक्स हैं, इनकी आँखें जो हैं बाहर की ओर निकली होती हैं दोस्तों, ताकि एक्स्ट्रा इनको रात को सपोर्ट मिल सके विजन का। हालांकि ये डिपेंड करते हैं वाइब्रेशंस पर भी और अपने जेकबसन ऑर्गन पर भी। जो दिन के सांप होते हैं, जो ड्यूर्नल स्नेक्स होते हैं, उनकी आँखें अंदर की तरफ होती हैं, क्योंकि ये उस समय निर्भर करते हैं विजन पर भी, साथ ही साथ जेकबसन ऑर्गन और जो इनका वाइब्रेटरी रिसेप्टर्स पूरे बॉडी में होते हैं उन पर। दोस्तों अब बात करते हैं हम इसके वेनम फैंग्स की। तो इसके लिए हमें इसको होल्ड करना पड़ेगा बाय माउथ, जो कि हम अभी करेंगे, और ज़रा सा उसमें समय लगेगा लेकिन हम इसको होल्ड करते हुए आपको नहीं दिखाएंगे, होल्ड करने के बाद दिखाएंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा वीडियो देखकर कोई भी हमारा स्टूडेंट इस तरह की गलती करने का प्रयास करे। तो अब इसको बाय हेड हम होल्ड कर रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों अभी आप देख रहे हैं अमित ने इसको बाय माउथ होल्ड किया हुआ है और आप देख पा रहे होंगे इसके वेनम के जो फैंग्स हैं, काफ़ी सारे दांत आपको दिख रहे होंगे अभी, और इसके जो वेनम फैंग्स हैं उसके ऊपर मस्कुलर कोटिंग होगी, मसल्स की कुछ फ्लैश की कोटिंग होगी जो आप देख पा रहे होंगे। इसी के अंदर ये रियर फैंग्ड है चूँकि, और इसका मैं वेनम ग्लैंड बताता हूँ आपको, इस तरफ लोकेट होता है दोस्तों, अगर कैमरा हमारा फोकस कर पा रहा है इस तरफ होता है दोस्तों, तो अगर यहाँ पर प्रेस किया जाए तो इसका वेनम रिलीज़ होगा, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते क्योंकि वेनम ही इन स्नेक्स की लाइफ लाइन होते हैं, और वेनम को वेस्ट करना किसी भी स्नेक के लिए सही नहीं होता दोस्तों। तो अब इसका हेड हम रिलीज़ कर देंगे, और आपने देखा इसके दांत बहुत छोटे होते हैं, बाइट करते हैं, ह्यूमंस के लिए ये हार्मफुल नहीं होते, लेकिन हाँ ये बात ज़रूर है कि अगर कोई फुली ग्रोन, ये अभी फुली ग्रोन नहीं है, ये 3/4 ऑफ द लेंथ ऑफ फुल साइज्ड स्नेक है, अगर किसी तरीके से ये आपको बाइट करता है बड़े साइज़ का एक कैट स्नेक, तो पॉसिबल है कि आपको बहुत तेज़ नींद आए और आपकी तबीयत हल्की सी ख़राब हो जाए। तो दोस्तों अब इसको हम रिलीज़ कर देते हैं, और आइज़ से रिलेटेड हमने काफ़ी सारे वीडियो काफ़ी सारी डिटेल आपको दी है, और आने वाले वीडियोस में भी हम ऐसी ही जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि स्नेक से रिलेटेड किसी भी तरह का मिथ
लोगों में रहे, खासकर हमारे देश में जहाँ पर सांपों को, खासकर नाग को पूजा जाता है, और ऐसे देश में जहाँ सिर्फ नाग को पूजा जाए और बाकी स्नेक्स को लेकर कई सारे मिथ्स हो, हम नहीं चाहते ऐसा हो। तो आने वाले हर वीडियो में हम ऐसे जुड़े, सांपों से जुड़े कई सारे मिथक जो हैं, जैसे इनको दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता, ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जिससे रिलेटेड हम चीज़ों को लेकर आएंगे। तो ऐसे ही नई नई और रोचक जानकारी के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकन दबाएं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।